ये मेरे पास मार्कर है ब्राउन, यानी रेड मार्कर में मैंने ब्लैक रिफिल डाली है, ये ब्राउन है। अब अल्लाह हमने लिख लिया हुआ है, इसके करीब हमने जो इसमें मुबारक लिखने हैं, यहां से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये अर्रहमान। अच्छा, आपके पास यहां पे ये ऑप्शन भी है कि आपको ये नजर आ रहा है? अच्छा, यहां आप चाहें तो डार्क कलर है, आप ब्लैक के साथ भी लिख सकते हैं। ये आपने ब्राउन मार्कर के साथ लिखना है और अच्छा, जहां पे इस पर मुबारक नहीं लिखा जा सकता वहां पे आप ऑर्नामेंट बना सकते हैं। ये देखिए, सर ये लीजिए। अच्छा, ये मैं ब्राउन मार्कर के साथ लिख रहा हूं।
ये मेरे पास है जी वाइट मार्कर पेंट। ये आपने इसे थोड़ा सा अच्छी तरह हिला लेना है ताकि इसमें इंक जो है वो मिक्स हो जाए। ये मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं ताकि आपकी क्लास का वक़्त बचे। अगर आपको मार्कर काटने का कोई इशू हो तो मेरे चैनल पे इसके काटने की वीडियो मौजूद है। इसके अंदर जो इंक है वो आए तो सर उसकी टिप जो है वो खराब हो। अच्छा वो बेटा आपका जो ब्लेड होगा ना कटिंग वाला वो ज्यादा तेज नहीं होगा, इस वजह से हो गया होगा। बहुत फ्रेश पेपर कटर का ब्लेड लेके ना उसके साथ काटना होगा आपको। हाँ जी गुड़िया बेटा अब आ रही है। अच्छा ऐसा है आपने आपका वो जो पेपर कटर का ब्लेड होगा ना वो सही नहीं होगा। सही। वो आपको बिल्कुल नया खरीद के उससे काटना होगा। सर क्या हम सीजर से काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों हो गया गुड़िया जी? बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा। नहीं बेटा असल में आज जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से ना मैं कुछ आपका इसके बारे में कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। अब्बास साहब और गुड़िया शायद हमें कमल ने ज्वाइन नहीं किया। सर कमल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। सर आ गई मैं। वालेकुम अस्सलाम। बेटी किधर रह गई थी आप? अच्छा वो पता है क्या ऐसा जो वो है ना जिसमें वेटिंग भी हो बाकी अदर स्टूडेंट्स तो वो फिर थोड़ा इश्यू हो जाता है, इसलिए वेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। हमने आज हमारा कैमरा भी थोड़ा डिस्टर्ब है, शायद हमारा जो लेक्चर है आज का हो रहा है बेटा रिकॉर्ड? जी सर कोशिश तो है बाकी अल्लाह की मर्जी। अच्छा अच्छा जी सर वो पहले वाला भी अभी तक नहीं आई रिकॉर्डिंग उसकी पहले वाली की। नहीं बेटा अभी अपने अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं यूट्यूब लाइव लेक्चर दे रहा था ना इसलिए। अच्छा हमने जी संडे वाला मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी इस पेंटिंग को फिनिश करें और अगली टेक्निक पे आए। इंशाल्लाह सर आपको पता मैंने अपनी वो डिवाइस में पैकेज करवा लिया तो उसकी वजह से मुझे ना अब ये है कि वीडियो ना स्टॉप नहीं हो रही। अच्छा सही चल रही है। अच्छा फिर तो मेरी मिठाई बनती है।
जितना लिखा गया माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। आई विश कि मैं इस तरह जल्दी से कैनवास तैयार करके अपने ड्राइंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये हमारे पास ब्राउन मार्कर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ बच्चों ने हमें ज्वाइन किया अभी अभी, तो ये मैंने रेड मार्कर में ब्लैक रिफिल इंक डाली हुई है, तो उससे फिर मैं इसे ना ब्राउन कर दिया। अच्छा जब आपने इस जी बिल्कुल लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, थोड़ा सा उसका ठीक है इंशाल्लाह। अब्बास साहब आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा लाजमी एक बना के, तो और जो पिछली है भले आप वो कर लें लेकिन करें यार।
सर अभी तक आप सिर्फ ब्राउन और व्हाइट से ही दिख रही है ना? ब्राउन व्हाइट और ब्लैक ब्राउन व्हाइट एंड ब्लैक जी। ठीक है सर। अच्छा आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इस व्हाइट के नजदीक मैं व्हाइट लिख नहीं रहा, आप देखें थोड़ा फासले पे, ठीक है? इसकी लॉजिक ये है कि जब आप फारफेट से देखेंगे तो ये वाला जो दूसरा पे लिखा होगा वो मर्ज लगेगा, अब जब आप दूर इन्हें देखेंगे तो ये सेपरेट होगा, बाकी इसमें मुबारक सेपरेट होगी। बेटा पेंटिंग में ये कम नजर आ रहा है, पेंटिंग में हर चीज जरूरी नहीं कि आप दूर से दिखाएं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको करीब आके भी देखने हैं, ठीक है? बेटा मेरे लिए चाय बनवाए जल्दी से। और भाई क्या कह रहे हैं जरा पूछिए। मैंने कॉल की थी, उन्होंने अच्छा अच्छा यहाँ ब्लैक है, यहाँ हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम मजबूरन व्हाइट से लिखेंगे। नहीं वो जब हम अप्लाई कर रहे थे हमारे ज़हन में ऐसा कुछ नहीं था कि ये इशू भी होगा, वो चूंकि जब कर लिया तब अंदाजा हुआ। बहरहाल ये जो गोल्डन मार्कर मिलता है, गोल्डन और सिल्वर मिलते हैं, वो भी तो परमानेंट ही होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल वो भी है, अभी अभी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। बेटा मुझे गोल्डन मार्कर दीजिए। जी सर। ब्लू वाले पे गोल्डन से लिखें। जी जी सर, गोल्डन से लिखेंगे। हाँ जी जी सर।
अब हमने गोल्डन मार्कर ले लिया, ड्यू टू वेदर हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। पहले आपको लीफ लगाने का तरीका जो है ना वो समझा देते हैं, क्या ख्याल है अब्बास साहब? जी सर। बेटा ये लीफ दीजिए, लीफ दीजिए सर। कौन सा? गोल्ड? गोल्ड? अच्छा, गोल्डन अप्लाई करें या सिल्वर? अपा साहब सर जी सिल्वर। सिल्वर ठीक। अच्छा सर, ये हम ये देखिए, बिल्कुल मैंने एक मुद्दा लगाने की कोशिश की थी, बहुत ही खप गई, वो नहीं लगा। नहीं, आप वो ना एयर प्रूफ कमरा और थोड़ी सी एहतियात होती है। ओके, हम आपको वो भी लगाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। आपने लगाया किस चीज के साथ था? मैंने लगाया था क्राफ्ट ग्लू के साथ। अच्छा ठीक है, वो उसके साथ भी ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइएगा आज कमल की आवाज, सॉरी गुड़िया की आवाज जो ना वो थोड़ी थोड़ी चेंज है, तो ये गुड़िया बोल रही है कि कमल है? कमल, कमल। अच्छा वो गुड़िया की भी आज ना तबीयत नहीं ना ठीक, तो उनकी आवाज थोड़ी आपसे मिल रही है। अच्छा गुड़िया आप हैं हमारे साथ? जी सर मैं देख रही हूँ। अच्छा ओ देख तो रहे हो सारे, कुछ करके भी दिखाओ। शुरू की हुई है मैंने, मैं दिखाऊं आपको? भी दिखाऊं? अच्छा ये हमने ना अब इस पे सिल्वर लीफ तो अप्लाई कर दिया, अब मैं इसे वॉश, बेटा ये रखें, मैं इसे वॉश करके तो अगला मरहला जो होगा उसमें हमारा है ये बाकी नेम ऑफ अल्लाह है और यहाँ पे वाइट अल्फाज है। ठीक है, कल हम अपना नया जो उसमें है टेक्निक उस पे काम करेंगे।
क्वेश्चन था मेरा आपसे। जी बेटा। सर आप ये जो कलर छुपा रहे हैं उसके बाद जब आप इसे ब्लेंड कर रहे हैं तो क्या ये आप ड्राई ब्रश से इसको ब्लेंडिंग कर रहे हैं? क्या कह रही, क्या कह रही बेटा जरा? सर अभी आपको वॉशेस भींगे है ना? हाँ जी। तो उसके बाद आपने एक ब्रश से इसे ब्लेंड किया है जी, तो क्या वो आपने ड्राई ब्रश यूज किया? बिल्कुल नहीं 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 नहीं, उसी वही और वही अपना एक्रेलिक कलर ही है लेकिन थोड़े थिन है। सर वो पूछ रही है जो ड्राई करने के लिए ब्रश यूज किया है वो ब्रश ड्राई था या उसके साथ वो उसके साथ पानी था? अच्छा अच्छा, असल जो ना थोड़ा दूर है ना मेरे से दोनों कैमरे, तो इस वजह से जो आप कलर यूज कर रही है ये ब्लैक है या ये ब्लू ही है? बेटा ये ब्लैक है, इसमें हल्का हल्का ना ब्लू की मैं ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है ना, बहुत ज्यादा हार्ड कलर नहीं रखा मैंने। ठीक है, तो अल्लाह आपका भला करे। आमीन। अच्छा जी, मैंने आपका काम देखा, बहुत जबरदस्त आपका काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्बास साहब तो छुपे रुस्तम जी, अब्बास साहब करके मैंने जो सर पेंटिंग देखी थी ना तो उसमें एक पेंटिंग को तो मेरा बहुत ज्यादा दिल किया कि ये मैं अपने स्टूडेंट को ये वाला काम करवाऊं, वो दरवेश वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको ना दरवेश भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो दरवेश क्या बलाक कहते हैं उसे, उसकी स्केचिंग तो हमें जरूर बताएं मुझे तो खास तौर पे स्केचिंग। हाँ जी, कि उसको कैसे करना है, मतलब स्केचिंग नहीं बस वैसे ही जैसे ड्रॉ करने के बाद उसमें कलर वगैरह करनी है, वो जरूर बताइएगा। गुड़िया जी इंशाल्लाह, किसी छोटे बच्चे को फ्रॉक बना के ना आप उसका स्केच ड्रॉ कर दे। कोई बग्गा डाला नहीं होगा बाहर, ये अगली पीपल्स होते हैं भाई, नहीं देखो दौले शादे चुगर क्या करो लैबी को भेजा। बात बताऊं सारा बन जाता है, पता नहीं क्यों मेरे से दरवेश के हाथ नहीं बनते। दरवेश के हाथ नहीं होते जिरा ना दे, हाथ बनते होते हो दरवेश हों। ए गल वैसे बढ़िया करते हो रबी, मैंने दरवेश बनाया, मैंने उसके हाथ नहीं बनाए। अम्मी कहती हैं गुड़िया इसके हाथ क्यों नहीं बनाए, मैं कहती हूं इस पेंटिंग में इसके हाथ है ही नहीं। एना दे हाथ नहीं पहनते इसलिए दरवेश ने अम्मी जी पांच जिते हाथ नहीं पहनते वही दरवेश होता है। सानू वे लो मेरे हाथ है रिकॉर्डिंग हो रही है जी, तारी मेहरबानी ऐडा ना करो, तेरे हाथ ते मेरे भी नहीं पहले ते मेरे दोवे हैगे जे तारी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अगर कोई दरवेश पेंटिंग बनानी है ना तो मैं देखती हूँ वो वाली पेंटिंग जिसमें उंगलियां ना उसकी हो। हाँ नहीं नहीं वो अच्छा, ये पता है क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, आप किसी बच्चे को बड़े की कमीज पहना के ना, कमीज लॉन्ग कमीज पहना के उसको थोड़ा सा मूव करें और इसके डिफरेंट शॉट्स ले लें आप कैमरे के साथ, आप देखिएगा कि खास तौर से जो बात आपने ज़हन में रखनी कि जिस तरफ हाथ का एक एंगल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी साइड पे दूसरा एंगल होना चाहिए, दोनों का सेम एंगल ना हो। बाकी दरवेश जी जरा मर्जी बना दियो, केड़ा बोलना आप यहाँ से पहले इसको ब्राउन तो मिल गया, व्हाइट भी दे दे और ब्लैक भी दे दे। जी सर। और जी सर। अच्छा जी, और रेड रेड रहने दे। अल बदूदुल मजीद अल बाइसुल शहीद।